वेलकम टू अनफिल्टर्ड ओपिनियंस एन इनिशिएटेड बाय अनअकैडमी, जहां पर मैं कुछ क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं उनको डिस्कस करूंगा. बट बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, आई टेल यू अबाउट माई सेल्फ. माई नेम इज नीरज कुकरेजा एंड आई एम ट्रेनिंग स्टूडेंट्स फॉर लास्ट 10 ईयर्स फॉर डिफरेंट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स. तो अब हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो स्टूडेंट्स ने पूछे हैं. जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है, दैट इज व्हाट इज द टफेस्ट सेक्शन ऑफ एसएससी सीजीएल एग्जाम. अब देखो, जहां तक टफेस्ट सेक्शन की बात है, सो इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि मैथमेटिक्स इज वन ऑफ द टफेस्ट सेक्शन, यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड. बट मेरा मानना ऐसा है कि इफ यू प्रिपेयर मैथमेटिक्स लॉजिकली विद कंसेप्ट, सो दिस विल बिकम वन ऑफ द इजिएस्ट सेक्शन एंड द मोस्ट स्कोरिंग सेक्शन. सेकेंड इज I am not very confident about my English preparation. What should I do? So for English preparation, I will suggest that first you should have a regular reading habit, because 50% of the paper is about the vocabulary part, reading habit. So those who have a good reading habit get a good score. I have seen various students jinhone bahut zyada taiyari nahi kari but still they get good marks in English just because they have a good reading habit. To main aapko bolunga ki aap apni reading habit achhi karo. प्लस थोड़ा बहुत ग्रामर पे फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज एसएससी में ग्रामर पोर्शन की भी वेटेज है. सो आई शुड से फोकस ऑन रीडिंग हैबिट एंड सम ग्रामर पार्ट. नेक्स्ट इज शुड आई राइट द सीएचएसएल एग्जाम टू विद सीजीएल, व्हाट्स द डिफरेंस. आई विल से दैट इफ यू आर फोकसिंग फॉर सीजीएल देन ओनली गो फॉर सीजीएल, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएचएसएल देन गो फॉर सीएचएसएल. Don't give two exams simultaneously. Have a main focus on CGL, but if you want to give simultaneously, you can give the exam. But at one time, there should be a priority whether you are going for CGL or CHSL. Next is, what is the best post you get after clearing SSC CGL? देखो, SSC clear करने के बाद अगर मैं बात करूँ, what is the best post? बहुत सारे students हैं मेरे जिनको इनकम टैक्स भी मिल रहा होता है, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी मिल रहा होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी मिल रहा है. बट अगेन, विच पोस्ट यू चूज, इट अगेन डिपेंड्स ऑन यू. व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू वांट? यू वांट अ सेटिंग जॉब और आप फील्ड जॉब चाहते हो, तो देयर आर डिफरेंट जॉब्स विद डिफरेंट प्रोफाइल्स. तो मैं आपको बोलूंगा कि बेस्ट जॉब डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट. मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 5400 का ग्रेड पे, जो कि किसी और गवर्नमेंट जॉब में था, वो छोड़कर 4600 का ग्रेड पे लिया. दैट इज जॉब ऑफ ईडी, दैट इज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट. सो इट डिपेंड्स कि आप किस तरह की जॉब चाहते हो. तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि फर्स्ट यू शुड वर्क ऑन द प्रोफाइल पार्ट. आप एक बारी ये सब पता करें कि हर जॉब का क्या प्रोफाइल है, एंड गेट इन टच विद सम सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, दोज हु आर वर्किंग ऑन दोस प्रोफाइल्स. तो एक बार उसका आपको आइडिया हो जाएगा, तो दैट विल हेल्प यू बेटर टू डिसाइड कि विच पोस्ट इज बेटर फॉर यू. हाउ मेनी मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू गेट अ गुड रैंक इन एसएससी सीजीएल? अगर मैं बात करूं कितने मार्क्स होने चाहिए अच्छी रैंक के लिए, सो अगर बात करीजिए प्री के लिए, तो प्री में हमारे चार सेक्शन हैं, मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीएस. इफ आई से मिनिमम स्कोर, क्योंकि मैक्सिमम तो यू कैन गेट फुल मार्क्स, बट मिनिमम इफ आई से इन मैथमेटिक्स सेक्शन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन, यू शुड गेट मिनिमम 40 आउट ऑफ 50. इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, अगेन 38 टू 40 शुड बी द मिनिमम स्कोर. इफ आई टॉक अबाउट रीजनिंग, यू शुड गेट मिनिमम 45 एंड इन जीएस 25+. एंड फिर ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि आपने कौन सी गियर में पेपर दिया, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम इज ऑलवेज अबाउट रिलेटिव स्कोर. सो मे बी अगर पेपर टफ है तो हो सकता है कि कट ऑफ कम है, ठीक है, बट इतना स्कोर आपको होना चाहिए प्री में, मिनिमम 150. एंड इफ यू आर टारगेटिंग फॉर द बेस्ट पोस्ट एंड इन योर रीजन, देन दैट स्कोर शुड अगेन बी इंक्रीज बाय 10 मार्क्स एटलीस्ट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डू यू कीप योरसेल्फ मोटिवेटेड फॉर एन एग्जाम लाइक सीजीएल? अगर मैं बात करूं कि मैं अगर एक स्टूडेंट होता और मैं अपने आप को कैसे मोटिवेट रख पाऊंगा फॉर सीजीएल एग्जाम, मैंने आपको बोला कि बी इन टच विद दोज स्टूडेंट्स जो ऑलरेडी उस डिपार्टमेंट में, बिकॉज व्हेन यू सी दोज पीपल, जो प्रिवेंटिव ऑफिसर है, हो सकता है कई लोग उनकी ड्रेस से मोटिवेट होते हैं, द यूनिफॉर्म विच दे हैव, ठीक है, कोई इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है, बिकॉज इट इज नॉट ऑलवेज अबाउट सैलरी, इट इज ऑलवेज अबाउट डिफरेंट थिंग्स, प्रेस्टीज, पावर, देर आर वेरियस थिंग्स जो हर कोई देखता है when they choose government job.
और हर किसी का अपना एक थॉट होता है, व्हाई इज एंटरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब नॉट अ प्राइवेट सेक्टर. सो बहुत सारी चीजें होती है, बट मुझे लगता है कि मोटिवेशन का बेस्ट तरीका जो है, बी इन टच विद दोस कैंडिडेट्स जो ऑलरेडी ये एग्जाम क्लियर कर चुके हैं, सो दैट आपको पता चलेगा कि वॉट काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स दे गो थ्रू एंड क्या क्या चीजें वो एंजॉय करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज देयर एनी प्री रिक्वेस्ट फॉर द सीजीएल एग्जाम. According to me, there is not much prerequisite for CGL exam, but I will suggest that before starting with your preparation, spend some time in analyzing the course, syllabus, kya kya cheeze hain, mujhe kya cheeze cover up karni hai, and cover the basic things from NCERTs which are required. So, utana aapko karna hota hai, okay, then you can start with your preparation. Should I keep a backup plan while preparing for CGL? According to me, if you are preparing dedicatedly for CGL, there should not be a backup plan, because I am 100% sure that I will get through with the exam. Because if I am preparing dedicatedly for that exam, I can easily crack CGL, because it is not a very tough exam, but you have to be focused while your preparation. So, मुझे नहीं लगता कि कोई backup plan की जरूरत है, if you are preparing dedicatedly. So, the next question is, what's the safe number of attempts in SSC CGL? According to me, the safe number of attempts is maximum 2. Because if you are preparing dedicatedly for that exam, and if you have a good mentors team, then you can easily crack the paper in first attempt or at max second attempt. Next question is, how would I know if my answer writing is good or not? So, एक student ने question पूछा कि क्या मेरा writing वाला जो part है, descriptive के लिए, जो मैंने लिखा है वो सही है या नहीं, पता कैसे चलेगा? देखो, जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं, दे हैव क्रिएटेड अ टीम ऑफ देम वेयर दे एनालाइज आंसर्स ऑफ ईच अदर. तो वो आपस में एक दूसरे के आंसर्स एनालाइज करते हैं, एक दूसरे को फीडबैक देते हैं. तो मैं आपको बोलूंगा कि मेक अ ग्रुप जहां पर आप एक दूसरे के आंसर्स को एनालाइज करो, एंड कोई एक ऐसा फैकल्टी हो जो आपको गाइड कर रहा है इन दिस पार्ट, सो दैट यू कैन एनालाइज कि हाँ मुझे कहां पर और इंप्रूवमेंट की जरूरत है. तो उससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शुड आई फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्ट और डायरेक्टली स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट? मैं ये बोलूंगा कि स्टार्ट विद कॉन्सेप्ट. आप जब तैयारी शुरू करते हो, आफ्टर अ प्रिपरेशन ऑफ वन मंथ और वन एंड हाफ मंथ, यू कैन स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट, जहां आपको लगने लग जाए कि हाँ थोड़ा बहुत आपने पार्ट कवर अप कर लिया. इफ यू हैव कवर्ड इवन 40% ऑफ द कोर्स, स्टार्ट गिविंग मॉक टेस्ट. बिकॉज ऐसा वेट मत करना कि पूरा 100% कोर्स होगा तब मैं मॉक टेस्ट दूंगा. सो आफ्टर कंप्लीशन 30-40% यू कैन स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट, जिससे कि आपको एक बार आइडिया हो जाएगा वेयर यू स्टैंड, अभी आपका लेवल क्या है और कहां तक पहुंचना है. सो मॉक टेस्ट आप विद इन 1-1.5 months के बाद शुरू कर सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी मॉक्स शुड आई गिव? देखो यहां पर मैं बोलूंगा काउंट ऑफ मॉक्स. अकॉर्डिंग टू मी, इफ यू आर गिविंग 30-35 मॉक्स फॉर प्री, दैट इज सफिशियंट. बट I will focus on one more point. Giving mock test is not sufficient. You have to analyze the mock test. Analysis is very, very important. So if you are giving 35 mock tests with analysis, so that is sufficient for your exam. And for mains, if I say 20 mocks of maths and 20 mocks of English, that is sufficient for your SSC. Next is, how should I analyze mock tests and improve the score? This is a very important question. How to do the analysis part? What I will suggest, when you give a mock test, suppose if you are giving a mock test of free, mock test is of 1 hour for SSC CGL. Suppose if I say the mock test is of 1 hour, but in analysis, you will take roughly 2.5 hours. Now, what to do in those 2.5 hours? First, you have to check what all answers you have done correct. Jo jo aapke answers sahi hue hain, unko dekho, is there any other alternative or there is there any other approach to solve that question? क्या कोई और तरीका है? मैंने एक तरीके से करा, क्या उसका और कोई बेटर अप्रोच मिल सकता था जिससे मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूं? दूसरा, फिर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए उनको समझो कि वो क्वेश्चन हमसे क्यों नहीं हुए, क्या वो लॉजिक मेरे को एग्जाम में क्लिक नहीं करा? अगर नहीं क्लिक करा तो नोट डाउन दैट, मेक अ रजिस्टर और ऐसे मॉक टेस्ट एनालिसिस रजिस्टर, जहां पर आप क्या उस मॉक टेस्ट से सीख रहे हो उसको जरूर लिखो. नोट डाउन योर स्कोर, करेक्ट आंसर्स, रॉन्ग आंसर्स, अनअटेम्प्टेड, एंड जो जो आपने मॉक टेस्ट से सीखा वो जरूर नोट करो. जैसे कि जो क्वेश्चंस आपसे नहीं हुए उनके पीछे का लॉजिक क्या था, कॉन्सेप्ट क्या था, क्या वो मैंने नहीं पढ़ा, और अगर मैंने पढ़ा था तो मेरे को नहीं क्लिक करा, सो नोट डाउन दैट. बिकॉज होता क्या है, जहां पर आप एक बारी मिस्टेक करते हो, चांसेस है कि आपकी मिस्टेक वहां दोबारा होगी. सो इफ यू हैव अ लिस्ट ऑफ ऑल दोस मिस्टेक्स जो आपने करी मॉक टेस्ट के थ्रू, वो आपको बहुत हेल्प करेगा.
और लेटर ऑन यू विल फाइंड दैट कि डे बाय डे योर स्कोर इज इंप्रूविंग, योर स्कोर इज इंप्रूविंग. सो मेरा ये कहना है, एनालाइजिंग मॉक टेस्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू हैव टू डू इन योर प्रिपरेशन, बिकॉज ये आपको बहुत हेल्प करेगा फाइनल सिलेक्शन. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल इज टफ और बैंक एग्जाम इज टफ? सो अकॉर्डिंग टू मी नथिंग इज टफ. इट डिपेंड्स कि आप अपनी तैयारी कैसे करते हो. एसएससी एंड बैंक एग्जाम, ये क्वेश्चन ये नहीं होना चाहिए कि टफ कौन सा है, क्वेश्चन तो ये होना चाहिए था शायद दोनों में से आसान कौन सा है. मेरे अकॉर्डिंग बोथ द एग्जाम्स आर वेरी इजी, प्रोवाइडेड यू हैव अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी टू क्रैक दैट एग्जाम एंड यू हैव अ गुड टीम ऑफ पीयर ग्रुप जो प्रिपरेशन करें या कुछ टीचर्स जो आपको हेल्प करें. सो यू कैन इजिली गेट थ्रू विद दिस एग्जाम. नेक्स्ट इज, कैन आई प्रिपेयर फॉर यूपीएससी विद एसएससी सीजीएल? व्हाट आई विल सजेस्ट, when you are preparing for SSC CGL, focus only on SSC CGL. And after clearing your SSC CGL, if you later on want to give UPSC, you can go for UPSC. But simultaneously, don't go with both. Because एक बारी हम SSC CGL पे focus करें, उसको निकाल लेते हैं, उसके बाद हम UPSC पे आते हैं. क्योंकि अगर हम दोनों exam दे रहे हैं, it means I am interested for SSC. So first get a SSC job, have stability, then you can go for UPSC exam later on. But not simultaneously. So the next question is, were you getting nervous about the exam when the result was delayed so much? If I say ki bahut sare students jinhone exams diye, jab result delay hota hai, sahi baat hai, wo bahut nervous hote hain. Kai bar unke dimag mein aata hai, should I go for bank or should I go for any other exam? But aapko pata hai ki jaise ab exams TCS conduct kar rahe, so ab papers delay wagera nahi honge. So mera ye kehna hai ki nervous hone ki zarurat nahi hai, you will get your post. हाँ, थोड़ा बहुत कभी कभी लेट हो जाता है, बट अब वो प्रॉब्लम ज्यादा होगी नहीं. ठीक है, एक क्वेश्चन ये है, इज देयर अ पर्टिकुलर नंबर ऑफ आवर्स दैट आई शुड स्टडी फॉर एसएससी? मेरा ये कहना है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट टू स्टूडेंट, बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 6 to 8 hours पर डे, सो इट इज सफिशियंट टू क्रैक एसएससी. 6 to 8 hours पर डे फॉर 5 to 6 months, यू कैन इजिली क्रैक एसएससी. So according to me, 6 to 8 hours is sufficient. But some students go for 9 hours, 10 hours, depending upon what is their level. But 6 to 8 hours is sufficient for SSC. Next question is, should I focus on tricks or concepts? If you are giving SSC, देखो अगर आप SSC दे रहे हो ना, तो concepts तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं. But थोड़ा बहुत काम tricks में भी करना पड़ेगा. You have to follow combo approach. Because in SSC, shortcuts are also very important. But if you have to choose one thing out of concepts or trick, I will suggest go with concepts. Any exam day tips? So exam day tips, तो मैं बोलूँगा कि जब आप already exam के लिए तैयार हो चुके हो, so आपको बहुत ज़्यादा exam day tips की ज़रूरत पड़ती नहीं, because you are very confident about the exam कि हाँ मेरा paper निकलना है, और उसके बाद तो सिर्फ आप ये सोच रहे होते हो कौन सी post मिलेगी. ठीक है, तो अभी के लिए सिर्फ इतने ही questions थे जो मैंने answers करें. बट अगर लेटर ऑन आपके कुछ भी क्वेश्चंस होते हैं, यू कैन आस्क मी और एनी क्वेश्चन विच यू वांट टू आस्क. और मेरी बहुत सारी क्लासेस अनअकैडमी पर चल रही हैं और यूट्यूब पर भी हैं. सो इफ यू वांट टू कनेक्ट टू मी एंड यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चंस, आई विल ऑलवेज बी देयर टू हेल्प यू. कुछ भी गाइडेंस आपको चाहिए और रिलेटेड टू एसएससी एग्जाम, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. एंड अकॉर्डिंग टू मी, अनअकैडमी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टू स्टडी, बिकॉज बहुत कम टाइम में क्वालिटी टीचर्स के साथ आपको बेस्ट चीजें मिल जाती हैं. ठीक है, सो अभी आज के लिए सिर्फ इतना ही. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.